तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रापे और आपका मेरे चैनल में वेलकम। तो मेरा जो चैनल है रापे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैंने बना ही लिया ये माइक्रोफोन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडियो माइक्रोफोन और काफी ज्यादा अच्छी इसकी लुक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अब मैं इसमें गाना वगैरह तो आपको गा के नहीं दिखा सकता। तो वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक और बात, अपने घर के अंदर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। तो वीडियो की तरफ आप चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जो हूँ आपको यानी कि दिखाने के लिए कि जो माइक है ये सच्ची में काम करता है या नहीं, तो अभी मैं आपको जो है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैं उसमें जो है अपनी जो कैमरे की जो वीडियो है उसको भी मैं छोटा सा करके अपनी जो है वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा प्रूफ के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं इसे रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा। तो पहले अभी मैं इसको नीचे रख लेता, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितनी जो है ऊपर हमारे जो वॉल्यूम का वो है कितनी ऊपर जा रहा है, और यहाँ मैंने इसको नीचे रखा हुआ है, यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पर ये कितनी अच्छी तरीके से जो है वो कैप्चर कर रहा है। तो अभी मैं रिकॉर्ड करने से पहले ये वीडियो ऑन कर लेता हूँ अपने कैमरे की। अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक कर दें जिनको ये वीडियो पसंद आई, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे को जो है अपने दुआओं में याद रखें। तो अभी जो है वो ऑडियो हम प्ले करके देखते हैं कि हमने जो ऑडियो है वो हमारी जो ऑडियो है उसे जो हमने रिकॉर्ड कराया तो वो कैसी है। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक कर दें जिनको ये वीडियो पसंद आई, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे को जो है अपने दुआओं में याद रखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसा हमने बोला वैसे ही इसमें रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। तो दोस्तों, आपको जो है वो माइक बनाने के लिए, स्टूडियो माइक बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको एक लाइट की ज़रूरत होगी। आप उस जो टॉर्च होती है पहले जो चलती थी, तो इसको टॉर्च को मैंने ले लिया है, इसको पूरी तरीके से मैंने एम्प्टी कर दिया है, इसका सारा सामान मैंने निकाल दिया इसमें से। अब मैंने एक शटरिंग की पट्टी ली है, या फिर आपको एक कनस्तर वगैरह होता है जो घर में, उसमें आप तेल वेल निकाल के छुपके से जो है आप उसको काटेगा, वरना आपकी मम्मा आपको बहुत डांटेगी। तो यहाँ मैंने जो है ये कैप्सूल ले लिया है, माइक्रोफोन कैप्सूल। ये आपको जो है बाज़ार में जो है वो 20 से 10 रुपये या 20 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। तो तमाम चीज़ों के जो है वो मैं आपको रेट भी बताता रहूँगा। अब यहाँ पर मैंने घर का जो है एक फॉर्म ले लिया है, फॉर्म टाइप कोई कपड़ा है, तो ये मैंने ले लिया है। ये कपड़ा मैंने अपनी ना मम्मा से छुपके लिया है, छुपके काटा है, आप मेरी मम्मा को नहीं बताएगा। प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आगे देखिए। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जो है वो थोड़ी सी छोटा सा एक एग्जांपल जो है वो आपको दे देता हूँ। तो आप लोग जो बोलेंगे कि हमारे को माइक के कनेक्शन तो है वो करना नहीं सिखाए, तो उसमें जो है मेरे 2-3 पार्ट डिलीट हो जाते हैं, तो मिस हो जाते हैं जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, तो उम्मीद है आपको इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बनिस्बत उसकी कि मैं आप लोगों को जो है वो वायरिंग करना सिखाता। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको इस तरीके से अगर आपको मोबाइल में ये माइक चलाना है स्टूडियो वाला माइक, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके का कनेक्टर होता है 20 से 30 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है, या फिर 100 रुपये का भी मिल जाएगा, मुझे पता नहीं है वैसे। तो अब करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो यहाँ पर आपको 3 पिनें दिख रही होंगी, 3 टर्मिनल दिख रहे होंगे आपको जो है, ये फर्स्ट टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये जो लंबा जो टर्मिनल है ये हमारा ग्राउंड कहलाता है, और यहाँ की जो दोनों पिन, ये जो दोनों टर्मिनल हैं ये हमारे लेफ्ट और राइट होते हैं, यानी कि स्टूडियो पिन होती है। आप मोनो में भी ले सकते हैं, मगर इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ आपका और है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है वो दोनों को आपस में मिला के जो है वो सोल्डिंग कर सकते हैं। तो जब आपको इन दोनों को आपस में आप मिलाएंगे, एक वायर से मिला दें, या फिर आप इनको दोनों को ना आपस में मिला के इस पर सोल्डिंग कर सकते हैं, और फिर आप एक वायर इसमें लगा दें, तो इस तरीके से जो है ये हमारे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, इससे हमिंग नहीं आती हमारी वीडियो के अंदर।
तो ये अगर आप स्टूडियो पिन अगर आपको मोनो मिल जाती है तो मोनो ही सही है, वरना आप स्टूडियो भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे हम, उसे हम अपने पॉजिटिव पॉइंट पे, जो हमारा माइक का पॉजिटिव पॉइंट है, हम उस पे सोल्डिंग कर देंगे। तो अभी मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। तो ये हमारा पॉजिटिव है। अब आते हैं नेगेटिव के कनेक्शन पे। तो यह हमारा जो ये नेगेटिव है उस पे हम सोल्डिंग कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही कंप्यूटर में, तो मैं जो असली में जो करता हूँ वो सोल्डिंग ही होती है मतलब उसका। तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब मैं जो हूँ वो ग्राउंड वाली जो टर्मिनल है उससे मैं जो माइक का जो ग्राउंड वाला हिस्सा है उस पर मैं सोल्डिंग कर दूंगा। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ जो लाइनें आ रही होती है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर तीन चार लाइन आ रही होती है, मगर किसी में नहीं होती, किसी किसी में एक लाइन होती है। तो वो हमारा ग्राउंड होता है, वो हमारा जो है वो माइनस होता है, हमारा ग्राउंड होता है। उसमें जो ये आप जो है वो सिंपल से वायरिंग है, आप इस तरीके से जो है वो वायरिंग करके अपना जो है माइक बना सकते हैं स्टूडियो वाला। तो यहाँ पर हमारी जो है वो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसकी सारी फिटिंग वगैरह कर देते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों इसमें जो है मैंने पहले से ही जो है वो होल कर लिए थे, यानी कि जो हमारी जो कनाइफ होती छुरी होती है उससे मैंने इसमें जो है वो हल्का सा उसको गर्म करके चूल्हे पे तो है मैंने इससे निशान कर लिए थे। तो इसमें जो मैंने एक कट मारा था तो वो इसमें निशान हो गया था। अब मैं इसमें जो है वो हमने जो पट्टी काटी थी शेटरिंग की पट्टी, आप जो है अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो घर में जो है आप जो है घर में सबसे छुप के जो है वो कनस्तर जो है वो काट सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सस्ता तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका, बस आपको छुप के काटना है और आपको डांट थोड़ी सी पड़ेगी, बस ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ये आपके लाल भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं जो है वो कपड़े से इसको जो है वो कवर कर लेता हूँ। तो ये फॉर्म टाइप कपड़ा है, ये इसमें जो है वो फिल्टर, हमारी जो आवाज़ है वो फिल्टर होके ही आएगी और इसमें जो है वो ज़्यादा हमिंग भी नहीं आएगी। तो मेरी एक आदत है, मैं हर चीज़ को जो है पहले खुद टेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। मैं पहले उसकी टेस्टिंग करता हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो मैं काफ़ी दिन से जो है वो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, 2 हफ्ते 3 हफ्तों बाद जो है वो मेरी वीडियो आती है। तो जो कम्प्लीट वॉच करते हैं तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो मेरी वीडियो देखते हैं और वो नीचे कमेंट भी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को खुशी होती है और मैं और मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की जो है वो कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और अच्छा मैं आप लोगों के लिए कंटेंट ला सकूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से समझें और आप मुझसे मुतमईन हो सकें, आप लोग मुझसे जो है वो सेटिस्फाई हो सकें। आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से जो है इसको जो है वो जोड़ना है। अभी जो है मैं इसको जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने RC सॉकेट लगाया है, आप इसकी जगह ऑक्स फीमेल लगा सकते हैं या फिर कोई भी कनेक्टर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपनी जो है इसी के ऊपर लाऊंगा कि सोल्डिंग आयरन कैसे चलाएं, या फिर कोई भी इस टॉपिक की वीडियो ले आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो, तो उसके लिए आप वेट करें। तो दोस्तों अभी मैं जो हूँ फिटिंग कर देता हूँ, जो हमने जो इसमें फॉर्म के अंदर जो है इसको लपेटा था माइक को, तो इसको कपड़े पहनाए थे माइक को हमने, तो अभी जो है इसको साड़ी पहना दिया मैंने माइक को। तो माइक जो है वो तंग हो रहा है, बोल रहा है मेरे को साड़ी नहीं पहननी है। तो अभी जो माइक को ढकने के लिए, जेल में बंद करने के लिए, दादा का जो है स्पीकर मैंने जो है उसमें से जाली निकाल ली है। तो अब दादा का जो स्पीकर वो सामने से जेल से आज़ाद हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा छुपके से मैंने निकाला है, आपको भी छुपके से निकालना है। तो मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पिटाई वगैरह नहीं लगी है, तो आपका नहीं पता, आपके गाल वाल लाल भी हो सकते हैं, तो मुझे नहीं बोलना कि राफे भाई ने बताया था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो माइक है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसकी आवाज़, इसकी जो है तमाम चीज़ें हैं जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेरे को यकीन नहीं था कि इस तरीके से जो है इसका रिज़ल्ट आएगा। तो अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ वो भी इसी माइक से ही कर रहा हूँ। तो मेरी आदत यही है कि मैं पहले खुद टेस्ट करके देखता हूँ हर चीज़ को, फिर मैं वीडियो जो है अपलोड करता हूँ, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी चीज़ हो, जहाँ पर भी हो, पहले मैं जो हूँ वो टेस्टिंग करता हूँ उस चीज़ की, उसके बाद ही उसी चीज़ को अपलोड करता हूँ। आपने देखा होगा स्पीकर की मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, तो पहले खुद ने टेस्ट करा, फिर उसके बाद उसकी वीडियो।
तो यहाँ पर अभी जो है मैं माइक को जो है वो कवर कर लेता हूँ इससे, टेप से। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा है, बोले मेरे को जेल से आज़ाद होना है, मगर मैंने बोला नहीं भाई ताला नहीं है, तुम्हें टेप से ही मैं कवर कर देता हूँ। तो कभी कभार मैं भी मजाक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हूँ इसको ट्राई करके देखना चाहता था कि ये बनता है या नहीं। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल बन चुका है वैसे का वैसे ही। तो मेरे से जो है वो जाली ज़्यादा कट गई थी। आपको जो है पूरा जो है इसको सही से जो है वो नाप के करके जो है आपको जाली काटनी है इसकी। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी लुकिंग दिखा देता हूँ आपको।